अब खबरें विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 साल एक पुनरावलोकन पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह बेदी ने शिरकत की। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर अमरजीत शर्मा के अलावा चेतराम गर्ग निक्कू राम भी मौजूद रहे। जलियांवाला बाग भारत राष्ट्र शक्ति का अमर प्रतीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 वर्ष एक पुनरावलोकन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर हरमेंद्र सिंह बेदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का द्योतक है। स्वतंत्रता प्राप्ति की ललक जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद भारत में तेजी से भड़की और एशिया के राष्ट्रों तक पहुंची। उन्होंने बताया कि भगत सिंह जलियांवाला बाग की खून से सनी हुई मिट्टी अपने घर ले गया और रोज उसे सुबह उठकर प्रणाम करता था, जिसने उसमें क्रांति का सूत्रपात किया। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लुटा दी। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह सहित अन्य क्रांतिकारियों में जलियांवाला बाग जलियांवाला त्रासदी स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी को तेज करने का प्रेरक बनी। इतिहास को अपनी स्मृति में लाना बहुत आवश्यक होता है। यूरोप के देशों के लोग तो ये मानते हैं कि 100 साल के बाद इतिहास पर पुनर्विचार करना चाहिए। जलियांवाले बाग के हत्याकांड को 100 वर्ष हो गए हैं। अब जिन तथ्यों पर, जिन विचारों पर और जिन घटनाओं पर विचार किया जाएगा, वह भारतीय इतिहास को, राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता संग्राम को समझने में हमारी मदद करेगा। आज की संगोष्ठी, मुझे लगता है कि इसका भी एक ऐतिहासिक महत्व है कि भारत की आज़ादी की एक बहुत बड़ी घटना पर पुनर्विचार, पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। विशिष्ट अतिथि हिमाचल उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने कहा कि इतिहास की जानकारी सभी संकाय के छात्रों को होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व का पथ प्रदर्शक रहा है। वेद पुराण भारत की वैदिक विरासत को द्योतक है। हिंदू कुश पर्वत तक भारत का विस्तार रहा है। उन्होंने कहा कि गुरु चाणक्य ने बृहद भारतवर्ष स्वप्न देखा, जिसे उनके शिष्य चंद्रगुप्त ने पूरा किया। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास त्याग और प्रेरणा का परिचालक है। जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 वर्ष एक पुनरावलोकन, इस के नाम से एक संगोष्ठी का, यहाँ राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इनके गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर के इतिहास विभाग की तरफ से इसका आयोजन किया गया और बहुत अच्छी संगोष्ठी है। बहुत अच्छा इन्होंने विषय चुना है, क्योंकि जलियांवाला बाग नरसंहार के सही में 1919 में ये नरसंहार हुआ, तो 2019 में इसके भी एक 100 वर्ष 2019 में पूरे हुए हैं। तो उसके बारे में ये विषय आज के संदर्भ में लोगों को, हमारे छात्रों को, हिस्ट्री के जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए इसके ऊपर काम करने का भी, इसके ऊपर एक सोच को कि किस तरह से वो नरसंहार, कैसी सोच से विकृति वाले लोगों ने वो उस समय किया है,